अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदनान और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, जिसका ड्राफ्ट आज बिलाहर होने जा रहा है। पहले कई बार ये लीग मुलतवी हो चुकी है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। अब आज इस हवाले से तमाम टीमों के स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और टीमों ने अपने अपने कैप्टन्स का ऐलान कर दिया है और आइकन प्लेयर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। वो मैंने आपको बताए थे, उसमें एक का तब्दीली हुई है। कुछ प्लेयर्स के अवेलेबिलिटीज़ का इशू बन रहा था, जिसकी वजह से आइकन प्लेयर्स में थोड़ी सी तब्दीली हमें देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 5 फ्रेंचाइजीज़ के वही रहेंगे, एक टीम का कप्तान हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरफराज अहमद की जगह जो है इमाद सिमाब ओवरसीज़ वॉरियर्स की कप्टनसी करते हुए नज़र आएंगे। मज़ीद आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस लीग का ड्राफ्ट कितने बजे होगा, कहाँ कहाँ आप इस ड्राफ्ट को लाइव देख सकते हैं और आपको मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स प्लेयर्स की अवेलेबिलिटीज़ के हवाले से थी वो भी आपको देंगे कि कौन कौन से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस लीग का हिस्सा पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले आइकन प्लेयर्स और जो कैप्टन्स हैं उनके हवाले से अगर बताएँ तो जो प्लेयर्स आइकन हैं वही इन टीम्स के कैप्टन होंगे। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के कैप्टन होंगे मोहम्मद हफीज़, ओवरसीज़ वॉरियर्स के कैप्टन होंगे इमाद वसीम, रावलाकोट हॉक्स के कैप्टन होंगे शाहिद अफरीदी, कोटली लायंस के फ़खर जमान, मीरपुर रॉयल्स के शोएब मलिक और बाग स्टालियंस के शादाब खान कैप्टन होंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान, हसन अली, सरफराज अहमद, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, ये वो बड़े प्लेयर्स हैं जो इन टीमों का हिस्सा थे, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ का हिस्सा थे, लेकिन अब वो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं और वहाँ से डायरेक्ट वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना होंगे, जहाँ उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं इस विंडो के दौरान, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। आपको बताते चलें, ये लीग हमें 6 अगस्त से 16 अगस्त तक होती हुई दिखाई देगी और इसके मैचेस जो है पीटीवी स्पोर्ट्स और जियो सुपर पर लाइव दिखाए जाएंगे। वहीं ड्राफ्ट आज शाम 7 बजे होगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो जियो सुपर, पीटीवी स्पोर्ट्स और KPL के ऑफिशियल फेसबुक पेज, मुजफ्फराबाद टाइगर्स के ऑफिशियल फेसबुक पेज और कोटली लायंस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस ड्राफ्ट को बाकायदा तौर पर लाइव दिखाया जाएगा। इससे पहले मैंने तमाम प्लेयर्स की जो कैटेगरीज़ हैं वो आपको बताई थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी वीडियोज़ तो आप ओल्ड वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा किस टीम की कहाँ पर बारी है वो भी मैंने आपको बताया था, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आपको चाहिए होंगी वो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक किसी तरह जल्द अज जल्द पहुँचती रहें।